बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल समी मुतालिब क्लास दहम कवेट हाई स्कूल पांच ग्रेड तहसील दरिया खान जिला बखर। प्यारे दोस्तों, आज मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम का मॉडल बनाया है। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके हिस्से कौन से हैं और ये कैसे काम करता है। आप लोग जानते हैं कि हम सांस नाक और मुंह से लेते हैं। नाक और मुंह के साथ एक नाली जुड़ी होती है जो ट्रेकिया कहलाती है। ट्रेकिया आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है जो ब्रोंक्यूल कहलाते हैं। ब्रोंक्यूल के आखिरी सिरे पर एक फेफड़े जुड़े होते हैं जो जो जैसा कि गुब्बारे जुड़े हुए हैं। जब हम सांस लेते हैं नाक या मुंह से सांस लेते हैं तो ट्रेकिया से होता हुआ फेफड़ों में जाकर फेफड़े हवा से भर जाते हैं और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं तो ये हवा से खाली हो जाते हैं। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि जैसे मैंने हवा भरी तो ये भर गए फेफड़े हवा से भर गए, जैसे सांस छोड़ा तो ये हवा से खाली हो गए। उम्मीद है कि आपको ये मॉडल पसंद आया होगा।